दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीनियर खिलाड़ियों को दिया गया आराम, युवाओं को दिया गया काम, यह है नई टीम। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, कौन सी नई टीम के साथ टीम इंडिया यहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरने वाली है, बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम ने एशिया कप का फाइनल तो जीत लिया है, लेकिन दोस्तों अभी भी बड़ी मंजिल सामने खड़ी है और बड़ी मंजिल है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप से पहले दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 सितंबर से वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। सीरीज का पहला मैच मोहाली में खेला जाएगा, दूसरा मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में और तीसरा मुकाबला 27 सितंबर को सौराष्ट्र में खेला जाएगा। भारत की वर्ल्ड कप 2023 से पहले यह आखिरी सीरीज होगी और इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। लेकिन दोस्तों सीरीज के शुरुआती दो मैचों में टीम इंडिया की कमान कोई और नहीं बल्कि केएल राहुल संभालने वाले हैं। और यहां पर दोस्तों शुरुआती दो मैचों की जो स्क्वाड है उसमें युवा खिलाड़ियों को टीम को यहां पर दोस्तों जीत दिलाने का काम दिया गया है। इस स्क्वाड की बात करें तो उसमें केएल राहुल कप्तानी है और विकेट कीपर करेंगे, उसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा रहने वाले हैं, उसके बाद दोस्तों टीम में यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को रखा गया और शुभमन गिल को रखा गया है, और फिर दोस्तों श्रेयस अय्यर इस टीम में रहने वाले हैं और सूर्य कुमार यादव इस टीम में बने हुए हैं, उसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा, ईशान किशन एज अ विकेट कीपर, उसके बाद शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, आर अश्विन के साथ साथ दोस्तों जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा इस टीम में रहने वाले हैं। तो अगर आप भारतीय टीम के स्क्वाड को देखो तो काफी बेहतरीन स्क्वाड है, इससे टीम इंडिया आसानी से यहां पर दोस्तों मैचेस को जीत सकती है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारतीय टीम इस स्क्वाड से ऑस्ट्रेलियाई टीम को हरा पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।